के यहाँ एकदम हरा एकदम हजारों की संख्या में करीब करीब 40-50 हजार लोग गांधी मैदान से राजभवन मार्च हमारे साथ। जब आप राज्यपाल से मिले 2013 में तो उन्होंने क्या कुछ बोला आपको? राज्यपाल से मिलने के बाद माननीय महामहिम राज्यपाल देवानंद कुंवर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, आपको लगता है जिस जाति से आप आते हैं और जिस जाति की सरकार है नीतीश कुमार कभी भी आपको धानुकों को आरक्षण देने की बात कहेगी? कभी नहीं। धानुकों को आरक्षण अनुसूचित जाति में, कहीं अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, केवल बिहार और झारखंड में यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। देसी बिहार ने एक मुद्दा उठाया था जातियों पर, आखिर बिहार में जाति के नाम पे 500 करोड़ आवंटित कर दिया जाता है कि बिहार में जातिगत जनगणना होगी। तमाम दल, तमाम सत्ता के लोग इसका समर्थन करते हैं कि हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे, उसका विरोध कैसे कर सकते थे साहब? बिहार में अगर जाति है तो राजनीति है, बिहार में अगर जाति के नाम पे राजनीति नहीं होगी तो सत्ता कभी भी किसी के गिर जाएगी, किसी को पता नहीं है। इसीलिए बिहार में 500 करोड़ लगाकर जातिगत जनगणना किया जा रहा है। मगर हम आज बात कर रहे हैं धानुक समाज का, हम उस धानुक समाज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में उसे पता ही नहीं है आखिर हमारा ओरिजिनल जाति क्या है। बिहार में तो हल्ला यहाँ तक है, आप धानुक है, ओ हो सकता है कि आप कुर्मी से आते हैं, तो सोच लीजिए लोगों को ये पता नहीं है आखिर आपका अस्तित्व क्या है। अस्तित्व की बात इसलिए हम कर रहे हैं, अगर आप धानुक है और आपको पता नहीं है कि धानुक एक स्वतंत्र जाति है, धानुक की भी विभिन्न उपजातियां होती है। इसी सब मसले पे हमारे साथ बात करने के लिए साथ है बलराम मंडल, जो कि धानुक समाज से आते हैं। इनसे पूछते हैं ये क्या कुछ कहना है। हमारा सवाल था, लोग जाते हैं मार्केट में, पूछते हैं किस जाति है, तो बोलता है धानुक, तो अगले का सवाल आता है कुर्मी से हो। यह सवाल जब सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिल में चोट पहुंचता है। ऐसा क्यों माहौल बना है कि धानुक जो स्वतंत्र जाति है उसको कुर्मी का उपजाति बना दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी वर्तमान सरकार जो है जिस जाति से बिलोंग करते हैं आते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो कुर्मी जाति से आते हैं। और जो वर्तमान स्थिति राजनीतिक चल रही है बिहार के अंदर और उसी परिप्रेक्ष्य में जाति जनगणना भी चल रही है, ड्यू टू माननीय मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत अपना जो है सोच है कि बिहार के अंदर जाति जनगणना हो। इनको केंद्र से कोई ये सलाह परामर्श नहीं हुआ है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के पोजीशन पे रहते हुए ये चाहते हैं कि हमारा बिहार में जाति जनगणना हो। तो जाति जनगणना हो एक अच्छी बात है, लेकिन धानुकों को कुर्मी में संलिप्त कर जाति जनगणना क्यों? उनको धानुकों को जो है कुर्मी का उपजाति क्यों माना जा रहा है? वोट बैंक बनाने के लिए निश्चित तौर पर खुल के ही बोल रहे हैं। जिस मैंने पहले भी कहा है कि कुर्मी जाति से नीतीश कुमार आते हैं, जो पूरे बिहार में मात्र 1.5-2% है, जबकि धानुकों की आबादी पूरे बिहार में 10-10.5% है, जिसके कारण उनका वोट बैंक काफ़ी ही कम है। अगर इस जाति को वो नहीं लेंगे तब तक इनका जो है वोट बैंक बड़ा रेशियो में नहीं होगा, 12-13% नहीं हो सकता। मतलब कि धानुक जाति नीतीश कुमार का क्या बोलता है, बधुआ मजदूर बन के रहेगा? हमको सिंपल से बात बता, ये समाज जब, के जब, ये, जब, ये, जब, जब धानुक जाति से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे तो बधुआ मजदूर ने बना के रख दिए। ये समाज के लोगों को तय करना है। नीतीश कुमार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज तक 2005 से लेके 2022 तक जो है 23 तक जो है उसको नीतीश कुमार को लोगों ने हर विधानसभा और पार्लियामेंट्री में धानुकों ने अपना समझकर वोट देने का काम किया, कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की पहचान नहीं कर पाए। लेकिन सामाजिक मुद्दे पर जब बात होती है, हम समाज के लोग जब पूरे बिहार में घूमते हैं, जब वस्तु स्थिति देखते हैं कि एक मुखिया का चुनाव भी धानुक जाति के लोग जीत नहीं पाते हैं, उनका संख्या अगर बड़ा है और महज 2% की संख्या वहाँ है, 10 घर 5 घर है कुर्मियों को, तो मुखिया जिला पार्षद वो कुर्मी समाज के लोग बन जाते हैं और धानुकों को आसानी से फूट डालकर इनको जो शोषित कर लिया जाता है, इनको मुखिया। समझिए इस इनके बातों को समझिए, अगर 3 घर भी कुर्मी है ना तो राजा वही बनेगा
धानुक जाति के लोग नहीं बनेंगे। अगर गलती से धानुक समाज के लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो वह चुनाव हार जाते हैं। इसका कारण धानुक समाज, हम दूसरे को नहीं बोलेंगे। अब एक सवाल है, जैसे कि 19 राज्यों में धानुकों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है, पर बिहार में ओबीसी क्यों बोला जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आपने आंदोलन के बारे में भी चर्चा किया था कि हम आंदोलन भी कर रहे थे आरक्षण के लिए। देखिए, एकदम स्पष्ट है, हमारा आरक्षण का आंदोलन चलता रहेगा सिलसिलेवार से, और हम करते रहेंगे पूरे बिहार में घूम घूम कर, जब तक आरक्षण का मुद्दा हम प्राप्ति की ओर न ले जाए। हमने सबसे पहले आंदोलन कब किया था? सबसे पहले आंदोलन हमने वर्ष 4 मार्च फणीश्वरनाथ रेणु जयंती, जो हमारे पुरखा है, हमारे जो जो समाज से आते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जयंती के उपलक्ष में हम लोगों ने 4 मार्च 2013 को गांधी मैदान से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम किया था, जिसमें एक ही मुद्दा था कि धानुक जाति को बिहार के अंदर अनुसूचित जाति। ये फोटो पर, ये फोटो है 2013 का, क्या 2013 का ये फोटो है? इस फोटो के बारे में, 2013 जिसमें उस समय राज्यपाल देवानंद कुंवर थे और हम जो है वहाँ है उस, हाँ, बीच में हम है, उस साइड में अध्यक्ष थे, और अभी उस समय जनरल सेक्रेटरी हम थे। पूरे देश के नेता लोग आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सब लोग राज्यपाल जी से आप मिले तो क्या बोला राज्यपाल? और ये हमारा जो है, ये आप जब देखेंगे तो देखिए, यहाँ एकदम हरा, एकदम हजारों की संख्या में, करीब करीब 40-50 हजार लोग गांधी मैदान से राजभवन मार्च हमारे साथ लोगों ने किया। अच्छा, लोग जानना चाह रहे हैं, जब आप राज्यपाल से मिले 2013 में तो उन्होंने क्या कुछ बोला आपको? राज्यपाल से मिलने के बाद माननीय महामहिम राज्यपाल देवानंद कुंवर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, आपको लगता है जिस जाति से आप आते हैं और जिस जाति की सरकार है, नीतीश कुमार कभी भी आपको धानुकों को आरक्षण देने की बात कहेगी? कब भी नहीं, ये संभव है। जब तक इनकी सरकार है, आप आरक्षण की मांग ऐसी करते रहिए, लेकिन देने वाले नहीं है। इसके लिए और व्यापक आंदोलन करना होगा और नीतीश को इस सरकार से अलग हटाना होगा, मुख्यमंत्री पद से अलग हटाना होगा, तभी आपका समीकरण बन सकता है। सुन रहे हैं कान खोल के, यह नीतीश बाबू वही है जिनको कि 17 साल से आप लोगों ने वोट देकर सत्ता का मलाई आप लोगों ने खिलाया है, मगर जब बात अधिकार की हो जाती है, हक की बात हो जाती है, तो यह नीतीश कुमार को देंगे। अगर ये आप लोगों को आरक्षण दे देंगे तो सोच लीजिए, इसका कुर्सी गिर जाएगा। अब आप लोग सोचिए कि आप लोग महा आंदोलन करके भीख नहीं चाहिए, क्योंकि 19 राज्यों में हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है, तो वह अधिकार हमें बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण आप हो सकते हैं धानुक समाज, उसका कारण हम भी हो सकते हैं, यह भी हो सकते हैं, क्या? क्योंकि हम शायद आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए, मगर अब अगर आप धानुक समाज के लोग चाहते हैं इकट्ठा हो, तो आप लोग अगर सो गए हैं तो नींद से जागिए और एक महा आंदोलन का आगाज कीजिए। क्या आपने बोला कि आंदोलन होगा तभी कुछ होगा? निश्चित तौर पर, चूंकि 23 अगस्त 2022 को कृष्ण मेमोरियल हॉल में जिस तरह से हमने धानुकों के आरक्षण की मांग को लेकर पूरे बिहार के धानुकों को जुटाने का काम किया, और वहां पर जो 15-20 हजार की संख्या में लोग आए, उसमें माननीय सांसद, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद दादानंद सिंह केसरी और बगल के यूपी के सांसद, इटावा सांसद रामाशंकर कटेरिया, इन तमाम दिल्ली अध्यक्ष और जो हरियाणा के से, पंजाब से, सारे लोगों को राजस्थान से हमने बुलाया, यह परिप्रेक्ष्य में कि सौद उदाहरण हो कि अन्य राज्यों में धानुकों को आरक्षण अनुसूचित जाति में, कहीं अनुसूचित जनजाति में रखा गया है, केवल बिहार और झारखंड में यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा? कहीं ना कहीं हमारे समाज को शोषण, शोषित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान नीतीश कुमार कर रहे हैं, और हम उनको आगाज करते हैं। उसी समय पूरी आम सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामहिम सारे लोगों के सामने, जो हमें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया गया और हम प्रदेश अध्यक्ष बने, और जिसके चलते पूरे बिहार में हमारा समीकरण चल रहा है, हर जिला में, पूरे 40 जिला में हमारा संगठन खड़ा है, और हर जिला में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, मां वहां के जो है जिला अधिकारी को मेमोरेंडम देंगे अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए, और एक महा जो धरना होता है, महासम्मेलन होता है, महारैली होता है, वो महारैली गांधी मैदान में करके रहेंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष का वक्तव्य है, नहीं, सत्यता का प्रतीक है, जो मैं आज आपके सामने वक्तव्य कर रहा हूं। एक सवाल है, बिहार में अभी वर्तमान में कितने विधायक हैं जो कि धानुक समाज से आते हैं? और एक बात सच सच बताइएगा कि वह सच में
प्रतिनिधि बने हुए धानुक समाज का कि कुर्सी पर बैठ के मलाई खा रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि जनता दल यू में ऐसे 5 विधायक और विधान परिषद हैं, भारतीय जनता पार्टी में 1 विधायक और 1 राज्यसभा सदस्य हैं, और जदयू में जो है 5 विधायक और 1 एमपी भी है। ये लोग केवल आरजेडी में 1 विधायक, ऐसे सत्ता दल रूढ़ के पार्टी के लोग कहीं इस समाज के कहीं किसी भी बुनियादी ढांचा के लिए ये लोग बने नहीं हैं। ये आज तक सत्ता का मलाई खाने में लगे हुए हैं, चाहे वो वर्तमान मिनिस्टर शीला मंडल ही क्यों नहीं हो, रामप्रीत मंडल ही क्यों नहीं हो, ये लोग सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं और ये लोग कहीं भी समाज का आवाज नहीं उठा रहे हैं। और भी राज्यसभा सांसद हुए हैं पटेल जी, वो भी जो है इस बात को नहीं उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें कहीं ना कहीं आशंका है ये लोग केवल और केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए ही राजनीतिक कुर्सी पर आज तक बैठे हुए। तो आपने सुना कि बलराम मंडल जी ने धागे खोल दिए अपने ही जो समाज से नेता आते उनके, क्योंकि सच्चाई है। हम पूछ रहे हैं ये वीडियो जितने लोगों के पास जाता है, आप बताइए आपके इलाके में जो हमारे समाज के प्रतिनिधि है क्या उन्होंने कभी गरीब गुरबा के लिए कुछ किया है, सिर्फ कमेंट में आप बताइएगा। इसकी सच्चाई यही है कि उन्होंने सिर्फ कुर्सी का मजा लिया है और हमारे समाज को वोट बैंक में तब्दील किया। हमने इसके पहले वाला भी वीडियो में बोला था कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा इस समाज से। आरक्षण का मुद्दा इस बार जो गरमाएगा हक लेकर ही हम लोग मानेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और साथ ही आप लोग जरूर अपनी राय रखें इस वीडियो में। आखिर हमारे समाज के साथ जो 17 सालों का जो छलावा है, इस छलावा का असली किरदार कौन है, हम खुद हैं या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है? धन्यवाद।